बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी जानकारी आपको दें। योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभाग बंटवारे का इंतजार है और किस मंत्री को क्या मिलेगा ये देखना होगा, किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिलेगी इस पर निगाहें टिकी हुई हैं सबकी। कल योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जबकि 20 राज्य मंत्री हैं। और ऐसे में देखना होगा कि किसे क्या मंत्रालय मिलता है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जबकि 20 राज्य मंत्री हैं। और अब इंतजार है विभाग बंटवारे का, किससे क्या जिम्मेदारी मिलती है इस पर निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि इस बार बहुत बदलाव देखने को मिले हैं योगी कैबिनेट में। और ऐसे में मंत्रालय का बंटवारा जब तक नहीं होगा, मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तब तक सबकी निगाहें टिकी हुई है योगी आदित्यनाथ पर, किसे क्या मंत्रालय दिया जाता है, किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है इस पर सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जबकि मंत्रिमंडल में 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जबकि 20 राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में सभी को अब विभाग बंटवारे का इंतजार है क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया लेकिन विभाग बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिलकर क्या फैसला हुआ है ये देखना होगा। हालांकि 1 से 2 दिन का समय इसमें लग सकता है, आज एक मीटिंग भी है, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, आगे किस तरीके से काम करना है, किन किन योजनाओं पर सबसे पहले फोकस करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक बहुत अहम होगी। लेकिन सभी को अब इंतजार है कि किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभाग बंटवारे का इंतजार है क्योंकि कल 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है योगी आदित्यनाथ के साथ और ऐसे में किसे क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है इस पर निगाहें हम सब की टिकी हुई हैं। और आपको बताएं कि योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, शैलेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रतीश त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश, सबसे पहले आपका रुख करूंगे क्योंकि कल 52 मंत्रियों ने शपथ तो ग्रहण कर लिया है लेकिन अब विभाग बंटवारे का इंतजार है, कोई जानकारी कोई इनपुट है क्या कि इससे क्या मंत्रालय मिल सकता है, क्या इसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल देखने को इस बार मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, और जहां तक बात है विभाग बंटवारे की तो ये मानकर चलिए कि आज दिन में ही जो मंत्रियों के पोर्टफोलियो होंगे वो सामने आ जाएंगे, यानी आज दिन भर की बस बात है, कुछ ही समय में हो सकता है कहिए 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, किसी भी वक्त पोर्टफोलियो जो है वो सामने आ सकते हैं। और जहाँ तक बात रहेगी विभाग के बंटवारे की तो निश्चित रूप से जिस तरह की शफलिंग जो है वो हमने इस बार मंत्रिमंडल में देखी है, कई मंत्रियों को हटाया जाना, कई ऐसे चेहरों को लाया जाना जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, तमाम अप्रत्याशित चेहरे भी शामिल हुए हैं इस बार मंत्रिमंडल में, तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि जो विभाग के बंटवारे की जब बात करते हैं तो उसमें भी फेरबदल देखने को मिलेगा क्योंकि जो मंत्री हटाए गए हैं देखिए उनके विभाग हैं और उसमें कई बहुत अहम विभाग हैं, तो वो संभव है कि जो पहले से मौजूदा मंत्री हैं या जैसे अगर बात की जाए बृजेश पाठक जी की जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं तो उनके विभागों में बदलाव होना लगभग तय है, उनके जो जिम्मेदारी है और बढ़ेगी, कहीं ना कहीं और अहम विभाग उनको मिलेंगे। इसके अलावा जो कुछ अगर आप अहम विभाग की बात करें, डॉक्टर महेंद्र सिंह को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया जबकि उनके पास जो विभाग है जल शक्ति विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है। इसी तरह से बात करें अगर स्वास्थ्य मंत्री जो रहे जयप्रताप सिंह इससे पहले वाली सरकार में, उनको इस बार नहीं शामिल किया, स्वास्थ्य विभाग बहुत अहम है और सरकार का उस पर फोकस भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर कोरोना काल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों को हर जगह बताया गया है तो वो एक अहम विभाग है। शिक्षा विभाग की बात कीजिए, मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के विभागों में 2017 से लेकर अब तक अगर हम देखें और उसके लिए चाहे स्कूलों में कायाकल्प की योजना हो चाहे बच्चों को योजनाएं देनी, क्योंकि 1,80,00,000 बच्चे जुड़े हैं, बड़ा बजट है उस विभाग का, तो बेसिक शिक्षा विभाग जो है बहुत बड़े विभाग में आता है, तो ऐसे में बिल्कुल ये तय मानिए कि उसके लिए जैसे इस बार जो अगर बात की जाए तो सतीश द्विवेदी क्योंकि चुनाव नहीं जीत पाए जो इससे पहले मंत्री रहे, ऐसे में वो विभाग जो है वो भी बहुत अहम विभाग है और बहुत ध्यान रख कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग पहले डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जब रहे उनके पास था, उस विभाग को देते समय बहुत चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य
जल शक्ति और बिजली, क्योंकि श्रीकांत शर्मा को भी इस बार जगह नहीं मिली है। ये वो देखिए महत्वपूर्ण विभाग है जो बहुत सोच समझकर उन लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि इनके आधार पर बुनियादी सुविधाएं ना सिर्फ जनता को मिलती है, ना सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य की बात होती है, बल्कि कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे होता है। अगर शिक्षा विभाग में कोई अच्छा काम होता है तो भी वो करोड़ों लोगों में पॉजिटिव संदेश जाता है, और अगर जरा सी गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से छवि भी धूमिल होती है। यही हाल स्वास्थ्य विभाग के साथ है। यही बिजली व्यवस्था की जो हम बात करते हैं, तो बिजली व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं आप देखिए तो लगातार ये दावे किए जाते हैं और सरकार की कोशिश रही है कि किस तरह से आपूर्ति बढ़े। और अगर हम 2017 के पहले और उसके बाद की बात करते हैं तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि शेड्यूलिंग जब की गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की सप्लाई पहले 2017 के पहले और बाद में बहुत अंतर आया, बहुत बढ़ी है। तो ये एक ऐसे विभाग है जो सीधे जनता से ऐसे जुड़े हैं कि उससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़ता है। तो इन विभागों को देते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि ब्रजेश पाठक जो है फरमाया आपने कि बड़े विभागों को लेकर मंथन बहुत ज्यादा किया जाएगा और इसमें भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। जैसे इस बार चौंकाने वाले कुछ फैसले हमें दिखाई दिए कैबिनेट को लेकर, मंत्रियों को लेकर, उसी तरीके की तस्वीर हो सकता है कि विभागों के बंटवारे को लेकर भी हमें देखने को मिले।